नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी जी कहते थे कि हर हिंदुस्तानी को जब भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो वह गांव की बनी हुई वस्तुओं को पहली तरजीह दे, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द विलेज प्रोडक्ट। और उसी मूल्य को अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसा एक बड़ा अभियान छेड़ दिया, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए की नकदी प्रोवाइड की गई एमएसएमई सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कृषि सेक्टर में भी, जिससे उनको लिक्विडिटी प्रदान की गई ताकि एक डिमांड क्रिएट किया जा सके, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और सारे अर्थव्यवस्था के चक्र पुनः स्थापित हो सकें, फिर से चलने लगें। यानी महात्मा गांधी जी का जो लोकल वाली नीति थी उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरीके से उसको लागू करने का प्रयास किया। और हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने लोकल के लिए वोकल जरूर हों, अपने गांव की बनी वस्तुओं का जरूर प्रेफरेंस दें, तरजीह दें, उसका महत्व समझें। और चूंकि अभी वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन में ऐसा हो रहा है कि जो पश्चिमीकरण है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण एक रूप से हम पश्चिमीकरण कह सकते हैं कि जो पश्चिम में जो कल्चर है, जो लिविंग स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने की स्टाइल है, कपड़े की स्टाइल है, वो सब हम लोग हूबहू फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने भारतीय कल्चर को, इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास, उसको कहीं ना कहीं कम महत्व देते हैं। और जब पश्चिमीकरण को हम अपनाते हैं तो हमें उस बात में बहुत फख्र महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। हम बड़े शान के साथ कहते हैं कि आई एम यूजिंग इम्पोर्टेड वॉच और एनीथिंग एल्स। हमें अपने इस माइंडसेट को चेंज करके इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि हम जब भी नॉर्थ ईस्ट के वस्तुओं का उपयोग करें, जब भी हम गांव की वस्तुओं का उपयोग करें, या किसी भी खाद्य पदार्थ जो कि लोकल रूप में बनाए जाते हैं, जैसे कि लद्दाख में कुछ ईटेबल एडिबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में बनाए जाते हैं, वो जो ट्राइबल एरियाज़ में बनाए जाते हैं, उसको हम जब यूज़ करें तो उसमें हमें एक फ़ख्र महसूस हो कि हम एक इंडियन फूड को यूज़ कर रहे हैं। हमें इस बात का फ़ख्र हो कि बहुत बड़ी संख्या जो ट्राइबल एरियाज़ में रह रही हैं उनके पास ऐसे ऐसे गुण हैं जिसका इस दुनिया के पास भान भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। उन चीज़ों को जब हम यूज़ करेंगे, उनको जब हम फैलाएंगे, उसका प्रसार करेंगे और उसको प्रयोग करने में गर्व महसूस करेंगे, तब जा कर के लोकल फॉर वोकल वाली जो नीति है, जिससे कि हम एक ग्लोबल स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाएँ, इस ओर बढ़ा जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा काम है वो माइंडसेट चेंज करने का भी काम है। वैश्वीकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, शहरीकरण भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शहरीकरण वाली जो फॉर्मूला है वो भी हम लोगों ने विदेशों से सीखा काफ़ी हद तक, जिससे हम बहुत सारे क्षेत्रों को शहर के रूप में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग सो मैनी एरियाज इनटू अर्बनाइजेशन, वी आर डूइंग अर्बनाइजेशन। शहरीकरण से बहुत सारे लाभ हैं अवश्य रूप में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे रोजगार क्रिएट होते हैं, बहुत सारे लोगों का संकेंद्रण वहाँ पर होता है, वहाँ पर ढांचागत विकास होता है, लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ते ही हैं। लेकिन बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ती है। शहरीकरण सही है, लेकिन उसको एक सतत विकास लक्ष्य, जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि पावर्टी इरेडिकेशन किया जा सके, जल प्रदूषित ना हो, वायु प्रदूषित ना हो, भूमि प्रदूषित ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए, मीन्स वी हैव टू फर्स्ट फोकस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देन वी हैव टू गो ऑन अर्बनाइजेशन। फिर और जो शहरीकरण वाली नीति है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2-3 साल पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन चलाए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा शहरों को एक प्रकार से अर्बनाइजेशन, एक स्मार्ट सिटी के रूप में उसको बनाया जाएगा। हमें स्मार्ट सिटी मिशन से यह सीखने की आवश्यकता है कि कैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन के ज़रिए या उससे सीखते हुए एक स्मार्ट विलेज मिशन की भी नींव रखें, उसकी स्थापना करें, एक स्मार्ट विलेज का मॉडल बनाएं, जिससे कि गांवों का भी उतना ही विकास संभव हो सके जैसे कि शहरों का हो रहा है या होना चाहिए। क्योंकि गांव में एक बहुत बड़ी संख्या, लगभग 60% संख्या गाँव में रहती है,
लगभग 50 से 55% संख्या ऐसी है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से गाँव में रोजगार प्राप्त करती हैं। तो उन सबके हितों का पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कैसे हम ऊर्जा को ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे हम नए नए जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उसको स्थापित कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर में एक वैज्ञानिक एग्रीकल्चर जैसे इसराइल करता है, उसका छोटा सा इसराइल देश है लेकिन वो अपने जल संरक्षण, वहाँ पे पानी की भी उतनी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जल संरक्षण खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही एक प्रकार से आत्मनिर्भर देश है इसराइल, और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भी वो बहुत ही अग्रणी देश है इसराइल, जो कि नया नया देश बना हुआ है, बहुत उसका बहुत पुराना इतिहास नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने विश्व के पटल में इस प्रकार से स्थापित कर लिया है कि उससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो इसराइल जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बना है अपने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, उसी प्रकार से हमें भी बढ़ने की आवश्यकता है और जो अपना वर्क कल्चर है, जो लिविंग कल्चर है, उसको बृहद रूप में चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने लिविंग स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने माइंडसेट को नहीं चेंज करेंगे, तब तक यह जो आत्मनिर्भर वाली नीति है वहाँ तक बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें जो सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं वो विद्यालय निभा सकते हैं, स्कूल निभा सकते हैं। जैसे 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बहुत ज़ोरों से अभियान चलाया था। उन्होंने समुद्र के पास बहुत सारे प्लास्टिक कचरा को इकट्ठा करके भी एक प्रकार से आह्वान किया था, प्रमोट करने का प्रयास किया था। इसमें जो है प्लास्टिक कचरा इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या पावर प्रोडक्शन करने के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से, तो इसके लिए सबसे जो महती भूमिका हो सकती है वो विद्यालय की तरफ से हो सकती है। जैसे हमें प्लास्टिक कचरे को कम करना है तो हम विद्यालय में यदि जो कपड़े वाले बैग्स होते हैं उनको प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, कि आप जाकर के घर में यह प्रचार करें कि अब मार्केट में जाना है तो यही बैग लेकर के जाना है। यदि हम बिना शर्माए, इसमें संकोच वाले भी बहुत आती है कि एक शिक्षक, एक प्रधानाचार्य कैसे बच्चे को कपड़े का बैग प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जागरूकता फैलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि एक विद्यालय में करीब करीब 500 कभी कभी 700 या 1000 छात्र भी हो सकते हैं। यदि उनको एक मुश्त तरीके से एक दो बैग्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो इस ओर बढ़ा जा सकता है कि हम प्लास्टिक कचरों को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि एक साल में करीब करीब एक व्यक्ति 11 किलो प्लास्टिक कचरा यूज़ कर लेता है। यदि हम विद्यालय के माध्यम से इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, तो बच्चे जब जाकर अपने घर में माता पिता को बताएंगे तो वो इस चीज़ से प्रभावित तो होंगे ही कि स्कूल में अच्छी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन साथ में उसके दिमाग में ये चीज़ बचपन से ही बैठ जाएगी कि यदि मार्केट जाना है तो इस प्रकार से बैग्स को ले करके जाना है। तो इससे जब वो बड़ा होगा तो वो अपने लिविंग स्टाइल में इस चीज़ को ज़रूर अपनाएगा और प्लास्टिक को पूरी तरीके से बाइकआउट करने का प्रयास करेगा। स्कूल इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल में एक कॉन्ट्रोडिक्शन ये देखा जा रहा है या देखा जाता है, जो निजी स्कूल होते हैं और जो सरकारी स्कूल होते हैं, निजी स्कूलों में मोटी मोटी फीस ली जाती है, उसमें पढ़ाई तथाकथित रूप में ऐसा कहा जाता है कि अच्छा होता है, ऐसा देखा भी जाता है कि अच्छा होता ही है, क्योंकि मोटा रकम जहाँ पर लिया जाएगा वहाँ पे शिक्षा की वह स्थिति तो होगी ही जो कि सरकारी स्कूल में नहीं है। सरकारी स्कूल में अक्सर वही विद्यार्थी जाते हैं जो एक प्रकार से छांटे होते हैं, उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, अक्सर वही लोग जाते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हों, कुछ मतलब कि 100 में से या 1000 में से एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द प्राइमरी स्कूल और इन द गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन इज वीकर। तो प्राइमरी स्कूल की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में करीब 69,000 शिक्षकों कि इस प्रकार से चयन प्रक्रिया किया गया है जिसमें बहुत बड़ी धांधली, भ्रष्टाचार वाले मामले भी आए हैं।
मई जून 2020 में ही, जिसमें एक लेडी हैं जो ऐसा पाया गया कि करीब करीब वो 25-26 जगहों से सैलरी प्राप्त करती थी। तो ये किस प्रकार से धांधली हो रही है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हमारे जो प्रशासनिक कल्चर है उसमें किस प्रकार से व्याप्त हो गया है, दिमाग में किस प्रकार से जो अनएथिकल काम होते हैं वो कैसे बढ़ जाते हैं, इस बात पर जोर तभी दिया जा सकता है जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होगी। इसमें हम चाइना और जापान से बड़ी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। जापान में ऐसा होता है कि वो पढ़ाई से पहले, एजुकेशन देने से पहले वो शिष्टाचार पर काम करते हैं कि बच्चे को शिष्टाचार सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और सारी चीज़ें जो लिविंग स्टाइल होती हैं, सवेरे उठना, इस टाइप का जो रहन सहन वाली बातें होती हैं, खाने पीने की बातें होती हैं, सम्मान करने की बातें होती हैं, सहानुभूति, परानुभूति, दयालुता, जानवरों के प्रति एक प्रकार से प्रेम का भाव, सद्भाव, ये सारे जो सद्गुण होते हैं वो पहले वहाँ पर सिखाया जाता है। जब बच्चा छोटा सा होता है जापान में तो उसको पहले ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर जा कर के उसको कहीं जो परंपरागत शिक्षा होती है उस ओर लेकर जाया जाता है। तो हमें भी इस बात की आवश्यकता है, भारत में भी इस बात की आवश्यकता है कि वो बचपन से सबसे पहले जो शिष्टाचार वाली चीज़ें हैं वो चीज़ उनके दिमाग में ठूंस ठूंस के भर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से जब वो बड़े हों तो पर्यावरण को गंदा करने, पानी का दोहन करने, गलत तरीके से दोहन करने, दिवाली में पटाखे जला जला करके कान फोड़ देने, प्लास्टिक कचरा का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो करते हैं, वो चीज़ें हम पहले से ही प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। और यह बिल्कुल विश्वास रूप में कहा जा सकता है कि जब प्राइमरी एजुकेशन विल बी बेटर, तो एक ऐसे नैतिक स्टूडेंट्स का एक प्रकार से कहें कि संसाधन के रूप में विकास किया जा सकता है, जिससे वो एक अखंड भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा पाएंगे। तो इस वीडियो में सारांश के रूप में कहना चाहूँ तो सिर्फ ये चीज़, नंबर एक कि लोकल के लिए वोकल बनिए, गांव के प्रति पूरी तरीके सहानुभूति होइए, गांव की चीज़ों का प्रयोग करिए, पश्चिम चीज़ों का प्रयोग करने में बहुत जो गर्व की महसूस होती है, गांव की चीज़ों को प्रयोग करने में एक हीन भावना का कुछ ना कुछ भाव आता है, उससे निकलने की आवश्यकता है। नंबर दो, प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था में बहुत आमूलचूल करने की आवश्यकता है। इस पे किसी अन्य दिन वृहद रूप से वार्तालाप करेंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही दो मुद्दों पर बातचीत करनी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।